इन्होंने बताया कई लोगों के नाम लिए कि इन्होंने अभी तो ज्वाइन करी थी कांग्रेस बिजेंद्र सिंह के साथ। देखो बिजेंद्र सिंह जी तो बूढ़े हो गए तो उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन पहले या तो इन्होंने कांग्रेस में इन साथियों ने आनंद किया था, कहते हम तो बिजेंद्र बीजेपी में रहेंगे, हम कांग्रेस में नहीं आएंगे। 2009 में मैं लोक विधानसभा जीत रहा था आदमपुर से, दो नेताओं ने मेरा विरोध किया कांग्रेस का, आज तक एमएलए नहीं बन पाए, ना आगे बने, और सर्वे के आधार पर टिकट दिया तभी जयप्रकाश को टिकट मिला। अगर ये लीगेसी देख दे तो फिर तो टिकट तो विजेंद्र को मिलना, ठीक है कि नहीं? लेकिन सर्वे हुआ तो 2% पाया, 98%। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में शानदार प्रदर्शन कर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। हालांकि अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस के अंदर अंदरूनी घमासान कम होने के बाद और तेज होता नजर आ रहा है। कद्दावर जाट नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू किरण चौधरी का बीजेपी में जाना इसका सबसे ताजा उदाहरण है। लेकिन ये घमासान यहीं तक थमता नजर नहीं आ रहा है। हिसार लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश उर्फ जेपी ने अपने सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी बीरेंद्र सिंह पर जोरदार हमला बोला है। जेपी ने बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र पर लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बीरेंद्र सिंह पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि उचाना में उन्हें किसी चौधरी के नाम पर नहीं बल्कि हुड्डा के नाम पर वोट मिला है। ब्रजेंद्र सिंह के साथ जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए थे उन्होंने चुनाव के दौरान खुलकर बीजेपी का साथ दिया। आज जो धन्यवाद किया आपने, कहीं ना कहीं कटाक्ष भी किया। क्या कटाक्ष? कि यहाँ पर जिन लोगों ने सहयोग नहीं किया, कुछ लोग बीजेपी के एजेंट बने हुए थे आपकी जानकारी में ऐसा? हाँ, हाँ। वो कांग्रेस में आए थे और बीजेपी के बूथा बैठे थे। मेरे साथियों ने बताया कि तो कोई सज्जन नाम का आदमी है, अभी कांग्रेस ज्वाइन करी थी उसने मंडी के बूथ पे, वो बीजेपी के लिए काम कर रहा था। एक कोई प्रेम है, एक कोई राजवीर है, चेयरमैन है इस गांव का, वो बुडैन का, हाँ राजवीर। इन्होंने बताया कई लोगों के नाम लिए कि इन्होंने अभी तो ज्वाइन करी थी कांग्रेस बिजेंद्र सिंह के साथ। देखो बिजेंद्र सिंह जी तो बूढ़े हो गए तो उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन पहले या तो इन्होंने कांग्रेस में इन साथियों ने आनंद किया था, कहते हम तो बिजेंद्र बीजेपी में रहेंगे, हम कांग्रेस में नहीं आएंगे। अगर कांग्रेस में आकर के और मेरे टिकट के बाद या क्या कारण फिर दोबारा बीजेपी के साथ चले गए, और क्या कर हरिंदर शायद नाम है, अरिंदर डुमर था, तो ये कई लोग चले गए, तो मैंने तो ये कहा कटाक्ष का ग्रह मैंने कहा भाई इतना अच्छा तो नहीं आंदे। और ये मान लो गलती से इन लोगों ने कभी तो चुनाव लड़ेंगे कोई भी आदमी। अब ये लोग पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, अब फिर बीजेपी में दौड़ गए, अब कांग्रेस में कैसे आएंगे? क्योंकि अब तो मैं एमपी हूं, उन्होंने विचार करना पड़ेगा। ऐसे उन लोगों को कम जम के विरोध करूंगा जिन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का और जनता का विरोध किया है। ये चुनाव जनता लड़ रही थी, इंसान का इंसान विरोध सहन कर सकता है लेकिन जनता का विरोध किसी बड़े से बड़े इंसान से सहन नहीं हो सकता। और मुझे तो टिकट कांग्रेस हाईकमांड ने दी है, तो किसी को क्या दर्द भाई? जेपी ने इशारों में बीरेंद्र सिंह पिता पुत्र को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिसने भी उन्हें सियासी रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उनका हाल बुरा हुआ है। साथ ही जेपी ने दावा किया कि टिकट वितरण से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए सर्वे में उन्हें 98% और ब्रजेंद्र सिंह को महज 2% लोगों का समर्थन मिला था। 2009 में मैं लोक विधानसभा जीत रहा था आदमपुर से, दो नेताओं ने मेरा विरोध किया कांग्रेस के, आज तक एमएलए नहीं बन पाए, ना आगे बने ये उस इलाके का, और नाम मैंने किसी का लिया। मैं न्यू कहता था माँ भाई इनका लोग निपट लेंगे, इबके न्यू है जिनने यहाँ विरोध किया है कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का, और जनता का विरोध है ये।
जनता का विरोध तो बड़े से बड़ा व्यक्ति ने सहन कर सके, इनका सौभाग्य है। भाई टिकट का फैसला तो राहुल जी का एक ही बात पर मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ कि राहुल जी ने एक निर्णय लिया कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, और सर्वे के आधार पर टिकट दिया तभी जयप्रकाश को टिकट मिला। अगर यह लिगेसी देख दे तो फिर तो टिकट तो विजेंद्र को मिलना था, ठीक है कि नहीं? लेकिन सर्वे हुआ तो 2% पाया, 98% सर्वे के हिसाब पर श्रुति रही रावदान सिंह को मिला, सर्वे के हिसाब पर हमारे पंडित जी को ब्रह्मचारी जी को मिला, तो सारी टिकट आप देखो ना कितना बड़ा शहर है दुनिया में नाम है गुड़गांव का, वहां पर राजा साहब को लेकर दी जो कि जो फड़ी में बैठ दिया राज बब्बर ने, थोड़ी सी रड़क रहेगी। तो सर्वे के आधार पर टिकटें होंगी, और सर्वे के आधार पर टिकटें होंगी तो कम से कम वो लोग खड़े खड़े देखेंगे जो लोग बढ़ते को नहीं लोगों में, जिन लोगों में नफरत आती है बदबू आती है उन लोगों को टिकट कैसे मिलेगी। दरअसल हरियाणा में बीरेंद्र सिंह और जेपी के बीच पुरानी सियासी अदावत रही है जिसकी शुरुआत 1989 के आम चुनाव से हुई। उस चुनाव में जेपी ने बतौर जनता दल प्रत्याशी तत्कालीन कांग्रेस सांसद बीरेंद्र सिंह को हरा दिया था। लोकसभा चुनाव से एन पहले कांग्रेस में घर वापसी करने वाले बीरेंद्र सिंह ने बेटे ब्रजेंद्र को हिसार से टिकट दिलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन बाजी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी जयप्रकाश के हाथ लगी। इसके बाद बीरेंद्र सिंह और उनके परिवार ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। सिंह ने कहा कि अगर जेपी खुद उनसे उनके समर्थकों के बीच समर्थन मांगते हैं तब इस पर विचार किया जाएगा। मौके की नजाकत को समझते हुए जेपी बीरेंद्र सिंह के समर्थकों के बीच उचाना में समर्थन मांगने गए और पुराने गिले शिकवे दूर करने की बात कही। इसके बाद भी बीरेंद्र सिंह स्वयं तो चुनाव प्रचार से दूर रहे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को जेपी के पक्ष में वोट देने को कहा। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के ब्रजेंद्र सिंह समर्थकों के उनके पक्ष में काम करने की बातों ने जेपी की परेशानी जरूर बढ़ाई, लेकिन जब नतीजे आए तो जेपी को उचाना से सबसे अधिक 82,204 वोट से लीड मिली। बीरेंद्र सिंह इसे पार्टी के प्रति अपनी वफादारी के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन जेपी का मानना है कि इनमें उनका कोई योगदान नहीं है। ऐसे में संभव है कि उचाना हलके से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे ब्रजेंद्र सिंह के सामने हुड्डा खेमा लोकसभा चुनाव की तरह ही रुकावट पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर घमासान और तेज होने के पूरे आसार हैं। आपका इन पर क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। उचाना से प्रदीप शोकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।